चलाने के लिए बोल रहे थे, जनता से मिलिए, क्षेत्र में काम कीजिए, विकास कीजिए, यही सब कैसे। क्या समीकरण है आने वाले समय में, क्या समीकरण रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 2024 में बिहार में बीजेपी को टक्कर देंगे तेजस्वी यादव। मोदी के विजय रथ को बिहार में रोकने में लगे हैं तेजस्वी। 10 सर्कुलर रोड पर आरजेडी के नेताओं ने किया चिंतन। विधायकों को जनता के बीच जाने का तेजस्वी ने दिया संदेश। आरजेडी के संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर जोर। जनता के बीच आरजेडी की छवि को बेहतर बनाने की बनी रणनीति। आरजेडी के तमाम दिग्गज नेताओं को तेजस्वी का गुरु मंत्र। बिहार से बीजेपी का सफाया करना चाहते हैं तेजस्वी। क्या बिहार में मोदी के विजय रथ को रोक पाएंगे तेजस्वी यादव? 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से बीजेपी का सफाया करने की तैयारी में आरजेडी जुट गई है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के संगठन को मजबूत करने का निर्देश अपने विधायकों को दिया है। साथ ही आम जनता के बीच जाकर अब आरजेडी के विधायक उनके दुख दर्द को साझा करेंगे। आरजेडी जल्द ही राष्ट्रीय सदस्यता अभियान भी चलाएगी। 10 सर्कुलर रोड पर तेजस्वी ने आरजेडी के एमएलए और एमएलसी की बैठक ली है। इस बैठक के बाद आरजेडी के नेताओं में उत्साह नजर आया। सरकार के कार्यों को सरजमीन पर उतारने के लिए, लोगों को बताने के लिए और पार्टी की मजबूती, संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है और हर विधायक, मंत्री सबको जिम्मेवारी मिली है कि पार्टी को निचले स्तर तक पहुंचाया जाए और इसीलिए बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक बूथ पर 11 लोगों की एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। इस कमेटी में सभी जाति के लोगों को शामिल किया जाएगा। वहीं जगदा बाबू ने बताया कि पार्टी के संगठन को दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भाई पार्टी के विस्तार के साथ ही सारे विस्तार जुटे हैं। यदि पार्टी का विस्तार नहीं है तो बाकी किसी के लिए बात किया जाए? यदि पार्टी का विस्तार होता है तो फिर मंत्रियों का भी विस्तार होगा, कल परसों जब हो जाए। लेकिन पार्टी के विस्तार का विषय था, मंत्रिमंडल के विस्तार का मुख्यमंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के बीच का विषय है। आपकी कार्यकारिणी कब गठित हो रही है? प्रदेश कार्यकारिणी जी, आपकी प्रदेश कार्यकारिणी जो आपके नेतृत्व में बननी है वो काफी समय से लंबित है, वो कब? आप समय लीजिए ना, हम लोगों ने उसको 1 महीने पूरी समीक्षा के लिए दिया है। एक एक समीक्षा होगी, स्वयं उप मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम लोग के यहाँ सारे कागजात हम लोग रख देंगे। इसके बाद 1 महीने के भीतर जो हमारा ढांचा है नया बनने का, यह भी रह सकते हैं, बदलाव भी हो सकता है। जहाँ की जैसी स्थिति रहेगी उसके आधार पर निर्णय तेजस्वी जी करेंगे, वही सबको मान्य होगा। अच्छा, एक सवाल है, 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर होना है, मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर बयान दिया था, आज क्या चर्चा हुई है? पार्टी सहमति जता दी है कि अब अगला चुनाव? बिल्कुल, आज के दिन मुख्यमंत्री महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जो वो कहते हैं उसमें कोई किसी की आलोचना नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। वहीं जगदा बाबू ने बताया कि तेजस्वी यादव रात में घूमकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आवश्यक है क्योंकि पटना में आ करके अपने दुख को सुनाना सबके लिए संभव नहीं है, और मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जान की समस्याओं को देखें और समस्याओं की चर्चा करने से समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं जाता जितना समस्याओं से आप रूबरू होंगे अपने स्थानीय तौर पर और उसके हल के बारे में आप चिंतन कर पाएंगे, वो संभव अपने दफ्तरों कार्यालयों में नहीं होता है। और इस ठंडक में तो तेजस्वी जी ने इसकी शुरुआत कर ही दी, ऐसे ठंडे रात में, अंधियारे में, फुटपाथों पर गुजारा करने वालों के बीच में
उनका खड़ा होना एक संदेश देता है कि गरीब और कमजोरों के लिए भी ये सरकार संवेदनशील है। और ऐसे समय में लंबी समय से हम लोग महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही है। अगर आरजेडी पूरी ताकत लगाएगी तभी 2024 के महासागर में महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। वैसे तो तेजस्वी ने बिहार में मोदी के विजय रथ को रोकने का मंसूबा बनाया है, लेकिन वो किस हद तक अपने मंसूबे में कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।